अभी हम पहुंच गए हैं पिंपरी चिंचवड़ के साइंस पार्क में। तो यहाँ पे एंट्री गेट है, तो यहाँ से हम टिकट लेंगे। तो ये है टिकट घर, यहाँ से हम टिकट लेंगे। तो अगर 2 से 15 साल की अगर उम्र होगी तो उसका जो एंट्री फीस है वो 30 रुपये है, और 15 साल के अबव जो जिसका भी एज है उसका एंट्री फी है 50 रुपये। और यहाँ पे 3D शो और तारामंडल शो भी है। तो बच्चों को यानी कि 2 से लेके 15 साल के बच्चों को 20 रुपये का एंट्री फी है 3D शो का, और 15 साल के ऊपर उसका जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है, और तारामंडल शो को भी सेम रेट है। तो अभी हम लेंगे एंट्री फीस का 50 रुपीज़, और हमने 3D शो भी बुक किया है वो यानी कि 30 रुपये उसका। तो टोटल हमारा 80 रुपीज़ पर पर्सन यानी कि 160 रुपीज़ हो गया है यहाँ पे एंट्री फीस। तो चलिए एंटर करते हैं। तो एंट्री करते ही राइट साइड को आप एक भव्य जेट प्लेन देख सकते हैं, और इसे 10 सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, इसका इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है, और आज हम हैं पुणे के पिंपरी चिंचवड़ विज्ञान केंद्र यानी कि पिंपरी चिंचवड़ के साइंस पार्क में। तो चलिए आपको दिखाते क्या क्या है ये साइंस पार्क में। तो चलिए एंटर करते हैं एग्जीबिशन के बिल्डिंग में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे एग्जीबिशंस है, तो सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो ये है बहुत ही बड़ा पेंडुलम लगाया गया है एग्जीबिशन के मेन हॉल में ही, इसे फोकॉल्ट पेंडुलम से भी जाना जाता है। तो इसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप भी ज़रूर वीडियो पॉज कीजिए और इसका इन्फॉर्मेशन पूरा रीड कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं न्यूटन्स क्रैडल, तो इसका एक्सपेरिमेंट भी हम आपको करके दिखाएंगे।
यहाँ पे नैनो का इंजन भी दिखाया गया है, तो चलिए चालू करके देखते हैं इंजन। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो एग्जीबिशन एंटर करते ही लेफ्ट साइड को हमें दिखता है इन्वेंशन ऑफ व्हील, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हील को कैसे इन्वेंट किया गया। तो ये है स्टीम पावर, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टीम से कैसे पावर जनरेट होता है। तो ये है लीनियर टू सर्कुलर मोशन, तो जो भी पुराने ट्रेन्स के इंजन्स है तो उसमें ये लीनियर टू सर्कुलर मोशन यूज़ करते थे। तो ये है फर्स्ट स्टीम इंजन, यानी कि दुनिया का सबसे पहला जो स्टीम इंजन था उसका ये प्रोटोटाइप दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट कार दिखाया है, यानी कि पहली मोटर गाड़ी थी, तो उसका जो डेमोंस्ट्रेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि कितने सालों में कैसे गाड़ी इन्वेंट होने से अब तक का जो प्रोसेस है, कैसे अलग अलग गाड़ियाँ इन्वेंट होती गई और बेहतर होती गई। तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्कूटर। तो इसमें स्कूटर की जो भी अंदर की चीज़ें वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये है पायोनियर्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो ये है इनसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, यानी कि ऑटोमोबाइल के अंदर जो जो चीजें होती है वो यहां पे डिस्प्ले की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है ऑटोमोबाइल के अंदर।
यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी कि इंजन विद गेयर बॉक्स क्लच। तो क्लच दबा के हम गेयर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गेयर्स चेंज कर सकते हैं गाड़ी के, और रियल टाइम में आपको दिखता है इंजन में कैसे फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं रियल टाइम अभी चेंज कर रहा हूँ गेयर्स गाड़ी के। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, गियर्स को कैसे आते हैं, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। तो यहाँ पे आप बैठ के स्टीयरिंग व्हील को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जैसे ही स्टीयरिंग व्हील में मूव करता हूँ तो फ्रंट टायर जो है वो भी मूव करता है, तो बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये चीज़। तो ये है रिएक्शन टाइम साउंड। तो इसमें स्टार्ट करना है, साउंड का आवाज आती है आपको स्टॉप बटन दबाना है। तो यहाँ पे दो बड़े टायर्स रखे गए हैं, तो जो ऊपर का टायर है वो बेयरिंग पे रखा गया है, तो इसीलिए वो इजीली मूव होता है। तो आप देख सकते हो वो इजीली मूव हो पा रहा है, तो बेयरिंग से फ्रिक्शन बहुत लेस होता है। और आप जो नीचे का टायर देख सकते हो वो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही हैवी है और उसमें कोई बेयरिंग नहीं है। तो ये है रिएक्शन टाइम लाइट। तो इसमें स्टार्ट करना है, लाइट दिखते ही आपको स्टॉप करना है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रक का शैसी। तो बटन ऑन करके देखते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं कौन से पार्ट्स मूव होते हैं। तो यहां पे मिड साइज एसयूवी का चैसी भी लगाया गया है।
तो बहुत ही बड़ा है ये ऑटोमोबाइल एग्जीबिशन, तो और भी अलग अलग एग्जीबिशंस है इस साइंस सेंटर में। तो हमने बाकी के भी एग्जीबिशन हॉल्स एक्सप्लोर किए हैं, तो वो आएंगे दूसरे पार्ट में। तो पार्ट टू के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूले, ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी आएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।